एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट राइट द मंथ अबव ईच पिक्चर, मैच द पिक्चर टू द ओकेजन। ओके, तो आपको क्या करना है, मंथ यहाँ पे लिखना है, सभी पिक्चर्स का आपको मंथ गेस करना है कि ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, ओके, तो जो ओकेजन है वो कौन से मंथ में आता है, कब हम सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो आपको ये मंथ लिखना है इसके नीचे। ओके, और उसके अलावा आपको मैच करना है जो ओकेजन दिए हुए नीचे ऑप्शंस दिए हैं उससे आपको ये मैच करना है कि कौन सा डे हो सकता है। फर्स्ट में देखिए एक फ्लैग है ना, तो ये किस दिन का पिक्चर हो सकता है, ये जनवरी का हो सकता है, राइट, रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे से इन्होंने ऑलरेडी मैच किया है, और रिपब्लिक डे हमें पता है ना 26 जनवरी को आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 26 जनवरी। आफ्टर दैट अब सेकेंड में सांता क्लॉज है, सांता क्लॉज कब आता है, अभी तो दिसंबर चल रहा है और आने वाला है ना क्रिसमस, तो क्रिसमस पे आते हैं, तो मैच कर देंगे क्रिसमस से, और मंथ का नेम लिख लेंगे दिसंबर। ओके, अब दो ऑप्शन और बचे हैं, अब आप गेस कीजिए कि कौन सा डे हो सकता है, अंडरस्टूड, और उसको मैच करके उसका मंथ लिख लेंगे कि कौन से मंथ में आता होगा ये। जैसे एक ऑप्शन है गांधी जयंती, कौन से मंथ में आता है गांधी जयंती, और नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे, अब चिल्ड्रंस डे कौन से मंथ में आता है वो लिखना है आपको, और इनमें से पिक्चर कौन सी हो सकती है, कौन सी गांधी जयंती की पिक्चर हो सकती है और कौन सी चिल्ड्रंस डे की हो सकती है, उससे आप मैच कर देंगे, अंडरस्टूड। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट अ टीचर्स डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ, तो टीचर्स डे कब आता है, कौन से मंथ में आता है, इट्स सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में आता है ना, सो यहाँ पर लिख लेंगे सेप्टेम्बर। बी डैश कम्स आफ्टर मार्च, अब कौन सा त्योहार है जो, कौन सा मंथ है जो मार्च के बाद आता है, डैश कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद आता है वो अप्रैल है, यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अंडरस्टूड। सी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन द मंथ ऑफ, रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे हम जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन द मंथ ऑफ जनवरी, अंडरस्टूड। बिल्कुल इस तरीके से आप इसे कर लेंगे अपनी कॉपी में भी। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस द कैलेंडर, देयर आर 12 मंथ इन द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, यहाँ पर एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, और जो जनवरी है वो सबसे फर्स्ट मंथ होता है ईयर का, सबसे फर्स्ट मंथ जनवरी होता है, और दिसंबर जो होता है वो सबसे लास्ट मंथ होता है, अभी दिसंबर लगा हुआ है ना, ये तो एक साल का सबसे लास्ट मंथ चल रहा है, इसके बाद न्यू ईयर लग जाएगा, राइट। कलर द मंथ विद एग्जैक्टली 30 डेज इन ब्लू, हाउ मैनी आर देयर, नेम देम। ओके, तो उन मंथ को आपको कलर करना है जिनमें एग्जैक्टली 30 डेज ही हैं, 31 डेज नहीं हो और 30 से कम दिन भी नहीं हो, एग्जैक्टली 30 डेज हो, उनको आप ब्लू कलर से कलर करेंगे, और आपको टोटल बताना है कि कितने हैं। ओके, और उनका नेम भी बताना है, यहाँ पे लिख लेंगे जो लाइन दी है ना, यहाँ पे उनके नाम भी लिख लेंगे। कलर दी मंथ विद 31 इन येल्लो, हाउ मैनी आर देयर, अब 31 डेज के कितने मंथ हैं वो आप लिख लेंगे और उनको येल्लो कलर से कलर करेंगे और उनके नाम भी यहाँ नीचे लिख लेंगे। विच मंथ हैज़ नॉट बीन कलर्ड, अब ऐसे कौन से मंथ हैं जिनको आपने कलर ही नहीं किया, वो फेब्रवरी हो सकती है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेब्रवरी, तो फेब्रवरी में कितने दिन हैं, यहाँ पे 20 डेज, तो 28 डेज लिख लेंगे। फेब्रवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, तो जो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं इनमें जो सबसे छोटा महीना, जो सबसे शॉर्टेस्ट मंथ होता है, बाय डे कह रही हूँ मैं, है ना, तो ये होता है फेब्रवरी, अंडरस्टूड। इट हैज़ 28 डेज, उसमें 28 डेज ही होते हैं, राइट। अप्रैल जून सेप्टेम्बर एंड नवम्बर हैव 30 डेज, ऑल द रेस्ट हैव 31, एक्सपेक्टिंग फेब्रवरी अलोन दैट हैज़ ओनली 28 डेज डियर एंड 29 इन ईच लैप लीप ईयर। ओके, जब 29 डेज होते हैं ना फेब्रवरी में, वो होता है लीप ईयर, उसको कहते हैं लीप ईयर, और जब 28 डेज रहते हैं तो नॉर्मल है, मगर जब भी 29 डेज होते हैं फेब्रवरी में आपको पता चलता है उसे, उस ईयर को कहते हैं लीप ईयर। ओके, आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस एक्सरसाइज 10.4, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो कर लेते हैं हम इसे। कॉपी द डेट्स फॉर दिस मंथ फ्रॉम द कैलेंडर इन योर क्लासरूम, अब आपको कॉपी करना है इस मंथ के
जो डेट्स हैं ना वो अपनी क्लासरूम में इसको कॉपी करना है. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके. ए, ऑन विच डेट डिड द मंथ बिगिन. तो जो मंथ का स्टार्टिंग होता है वो कौन से मंथ से हो रहा है, कौन से डे से हो रहा है. अब जैसे दिसंबर का अगर लिखें तो कौन से डे से ये जो मंथ है ये बिगिन हो रहा है, ये इस बार ट्यूसडे से हुआ, राइट. तो यहाँ पे ट्यूसडे लिख सकते हो, या तो फिर आप अपने स्कूल का कैलेंडर देखेंगे उससे भी आपको पता चल जाएगा, है ना. स्कूल कैलेंडर देख के भी आप कर सकते हैं कि ये जो मंथ है ये कौन से डे से स्टार्ट हुआ, है ना. मतलब कि आपकी जो क्लासेस लग रही हैं कब से लग रही हैं, तो वो डे आप यहाँ पे लिख लेंगे. मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा है वो. बी, विच डे इज़ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ. अब कौन सी डेट है जो इस मंथ की लास्ट डेट कौन सी है. तो अब दिसंबर चल रहा है, सो 31 दिसंबर ही होता है, हमें पता है ना. सो 31 दिसंबर आ सकता है यहाँ पे. ओके. सी एंड डी, हाउ मैनी मंडेज आर इन द मंथ. अब टोटल कितने मंडे हैं इस मंथ में, आप काउंट करके यहाँ लिख लेंगे. डी, व्हाट डे इज़ द 20th ऑफ द मंथ. तो 20th मतलब कि 20 तारीख जो आ रही है इस मंथ में, उस दिन कौन सा डे है, आप उस डे का नाम लिख लेंगे. ओके. ओके, हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर क्लोज हो गया. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर, 11th चैप्टर. ओके. तब तक के लिए दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट.